इंफ्रास्ट्रक्चर की भी चीजें हैं और हाइजीन की भी चीजें हैं, जो मेस के प्रबंधन की बातें हैं। हम लोगों ने सैंपल 5-6 हॉस्टल देखा था, सीओ जिला पंचायत खुद गए थे और उसमें जो कमियां निकल के आई है उसके आधार पर ओवरऑल सुधार के लिए 15 दिन की बात है। अच्छा, ये 15 दिन में मैं विरोधी हूँ इस बात का कि जन भागीदारी का एक टीचर बने, फिर एक सहवित का बने, फिर एक अतिथि विद्वान बने, मैं इसके पक्ष में हूँ नहीं और इसीलिए मुझे शायद इस विभाग को दिया गया है। क्योंकि ये पहले से प्रोसेस पिछले 15 साल से भी ज़्यादा से चलती आ रही है, तो ये कमी है, इसको स्वीकार करने में कोई डर नहीं है। आपको अगर किसी विभाग में वहाँ बच्चों की रिक्वायरमेंट है कि इस विषय को पढ़ना चाहते हैं तो उसको रेगुलर विषय बनाना चाहिए और रेगुलर अपॉइंटमेंट होना चाहिए। क्योंकि मैंने ये कहा, सब बात अभी छन के आई कि प्रोफेसर 50% का, मैं देश का पहला राज्य है जहाँ असिस्ट रेगुलर प्रोफेसर 45% ही है, 55% ही है, ये पहला राज्य। तमिलनाडु में 85%, आंध्रा में 85% है, 45%। ये हमारा बुराई है, हमें जो इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अब मैं ये कहूँ कि ये पिछली सरकार थी, ये राजनीति अंदर घुस जाएगी मेरे, ये हमारी कमी थी, इसको हम सुधारें। अभी नहीं बात कि हमारा क्या होगा, आपका क्या होगा। अभी मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है जो अतिथि विद्वान की, सबसे पहले एक स्टेप पे उसको हम कैसे राइट अप करें, फिर उसके बाद जो अलग अलग आते हैं फिर उनको आपको पीएससी में रिक्रूटमेंट हो आपका इस नाते, अगर प्रोफेसर रेगुलर प्रोफेसर भेजे तो अर्थव्यवस्था के मामले में 30 साल में सबसे आईडी कर दो सभी अपनी। उस समय देश में अखबारों की सुर्खियां बनी कि विश्व का पहले बेरोजगार देशों में भारतवर्ष आ गया, ये देश के लिए चिंता का विषय है। इसमें राजनीतिक दुराभाव से पहले अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे, इसके लिए सामूहिक प्रयास देश की सरकार को करना चाहिए और मैं मानता हूँ कि इसके लिए किसी भी दल का कोई अर्थशास्त्री हो, किसी भी दौर का कोई अर्थशास्त्री हो, सबका सहयोग लेना चाहिए।
प्रथम है, देश की अर्थव्यवस्था सुधरे, लोगों की आय बढ़े, रोजगार बढ़े, हाथ ऊपर, देश का सब मिलकर उत्थान हो, सारी बातों से ऊपर अर्थ है, सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ हिस्सा है, परिवार के सुख से जुड़ा हुआ हिस्सा है, भौतिक संसाधनों से जुड़ा हुआ हिस्सा है, सरकार को जागना चाहिए। सर, टैलेंट सर्च करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार खासतौर से उनको रोजगार लगाने के लिए क्या कर रही है? नहीं, मैंने जैसा अभी मेरे संवाद में भी कहा कि टैलेंटेड बच्चों को चयनित करके किसी विधा का उसको आर्थिक सहायता करें, हर सरकार का दायित्व। मध्य प्रदेश सरकार भी इससे नीति बना रही है, रणनीति बना रही है, और चूंकि मैंने कहा कि मध्य प्रदेश के USP है रोजगार, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय। मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश अभी बेरोजगारी में पूरा देश ग्रसित है, तब भी हमें अंक बढ़े हुए मिले, ये मुख्यमंत्री जी के प्रयासों का कारण है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हैदराबाद में भी काम जैसा जो कृत्य हैदराबाद में तेलंगाना में हुआ, उसके लिए कोई व्यक्ति इंसान जीव हो, मैं मानता हूं कि एक मत हो के उसकी जितनी निंदा हो शब्द नहीं है करना चाहिए। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में हमने महिलाओं के बच्चियों के हॉस्टल के लिए, बच्चियों के कॉलेजेस के लिए पुलिस को पहले निर्देशित किया है कि इस तरह की विधा पूरे देश में महिला सुरक्षा का जो मामला है, सामाजिक सरोकार के साथ साथ कानून व्यवस्था का भाग है। मैं समझता हूँ पापियों को सजा तो मिलनी ही चाहिए, पर उनको ईश्वर भी माफी। प्रज्ञा ठाकुर का ट्वीट आया है कि वो कांग्रेस विधायक का बयान था कि जला देना चाहिए, उसमें उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं आ रही हूँ, मुझे जला देना। क्या क्या बता दूँ, मैं से जिन विधायक ने ये बयान दिया वो बहुत भले आदमी है, और उन्होंने नर्मदा की परिक्रमा की। मैं मानता हूँ गोवर्धन डांगी से गलती हुई, कांग्रेस की विचारधारा जलाने की, मारने की, काटने की हो ही नहीं सकती, ये विचारधारा तो बीजेपी की है। तो प्रज्ञा ठाकुर गोडसे को अपना आदर्श माने, हम उसकी निंदा करें, पर हम घृणा नहीं कर सकते, ये कांग्रेस के विचार में ही नहीं है घृणा। तो मैं मानता हूं कि जो हमारे विधायक जी हैं उनको इस पर सुधार करना चाहिए। हम जलाने में, मारने में, काटने में, कांग्रेस तो महात्मा गांधी की पार्टी है, हिंसात्मक मार खा के अपने विचार के साथ देने वाली। नहीं, डांगी बहुत भले आदमी है, आप कभी मिलोगे, बहुत सज्जन है, नर्मदा की पूरी परिक्रमा की है, कहीं भूल से भूल हो गई। बीजेपी कह रही है प्रज्ञा भी भली है, नहीं बीजेपी के प्रज्ञा का तो इन पे मुकदमा कोई नहीं है, कोर्ट से भरी भी नहीं, जमानत भी डांगी जी को नहीं मिली, प्रज्ञा को सब।